प्रश्न 9, ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि है। तो प्रश्न 9 का पहला क्या दिया हुआ है? वृत्त की परिधि दिया हुआ है, तो लिखेंगे वृत्त की परिधि वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है? 88 मीटर। वृत्त की परिधि दिया हुआ है 88 मीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो परिधि दिया हुआ है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो परिधि से पहले हम वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद ही वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात होगा। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बराबर कितना दिया हुआ है? 88 मीटर। ठीक है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर का मतलब क्या हुआ? तो पाई हो गया, पाई का मान होता है 22/7। आर हो गया त्रिज्या, त्रिज्या को आर से लिखते हैं, त्रिज्या को आर से लिखते हैं, तो हो जाएगा 2 × 22/7 × r = 88। इस तरह लिख लेंगे, ठीक है। 2 × 22/7 × r = 88। तो r बराबर कितना हो जाएगा? r बराबर हो जाएगा 88 × 7/2 × 22। ये कैसे हो गया? तो देखिए, 7 जो है बराबर के बाएं तरफ भागा में है, बटा में है, तो भागा में हुआ, तो इसको दाएं तरफ भेजेंगे, तो 88 के साथ गुना हो जाएगा। देखिए, भागा में है इधर, तो इधर जाके गुना में हो जाएगा, ठीक है, बायां से दाएं तरफ जाके। और 2 × 22 आर के साथ गुना में है, यानी त्रिज्या के साथ गुना में है 2 × 22, तो 2 × 22 को बायां से दाएं तरफ भेजेंगे, तो भागा में हो जाएगा क्योंकि गुना में है आर के साथ। तो आर बराबर क्या हो गया? 88 × 7/2 × 22। तो 22 × 44, 44 × 88। देखिए, दो बार में काट लेंगे, 22 × क्या हो गया? 44, 44 × 88, यानी दो बार में काट लेंगे, 22 × 44, 44 × 88, यानी 7 × 14, कितना आ गया? 14 मीटर। आर बराबर कितना आ गया? 14 मीटर। तो मीटर में दिया हुआ था सब कुछ, यानी परिधि, तो त्रिज्या क्या में आएगा? मीटर में ही आएगा, यानी आर बराबर आ गया 14 मीटर। अतः क्षेत्रफल, अब क्या कह रहा है? क्षेत्रफल निकालने के लिए, यानी वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr². क्या होता है? πr². तो वृत्त का परिधि दिया हुआ था, जिससे हम वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर लिए हैं 14 मीटर, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, माफ कीजिए, जब वृत्त का पर ये त्रिज्या ज्ञात हो गया है, यानी आर क्या होता है? त्रिज्या को आर से लिखते हैं, तो वृत्त का जब त्रिज्या ज्ञात हो गया है तो हम क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr². पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या यानी आर, आर हम कितना लाए हैं? 14 मीटर, तो आर की जगह पर लिख लेंगे 14। तो आर का वर्ग यानी 14 का वर्ग, इस तरह लिख लेंगे, तो हो गया 22/7 × 14 का वर्ग, यानी 14 × 14 का वर्ग, मतलब 14 × 14। तो 7 × 14 काट लेंगे, ठीक है, गुना में है, तो इस तरह काट सकते हैं 7 × 14। अब इसको गुना करेंगे, तो 22 × 44, 44 × 14 कितना हो जाएगा? 22 × 2 क्या हो गया? 44, 44 × 14, तो 14 × 4 = 56, और 14 × 4 = 56, 5 = 59, माफ़ कीजिए, 14 × 4 = 56, 5 = 61 होगा, यानी यहाँ पे लिख लेंगे 61। तो 616 आ गया, सब मीटर में दिया हुआ था, त्रिज्या क्या में था? मीटर में, तो क्षेत्रफल होगा वर्ग मीटर में, यानी 616 वर्ग मीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? 616 वर्ग मीटर, ठीक है, इसका उत्तर आ चुका है 616 वर्ग मीटर।
तो क्या क्या दिया हुआ था? परिधि दिया हुआ था वृत्त का, जिससे हम त्रिज्या निकाल लेंगे परिधि का सूत्र लगा करके, 2πr। परिधि का सूत्र क्या होता है? वृत्त का परिधि का सूत्र होता है 2πr, जिससे हम परिधि दिया हुआ है तो हम त्रिज्या निकाल लेंगे। उसके बाद त्रिज्या जब ज्ञात हो गया तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर सूत्र लगा के। क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो आ जाएगा 616 वर्ग मीटर। दूसरा दूसरा क्या दिया हुआ है? तो वृत्त की परिधि बराबर 66 मीटर। वृत्त की परिधि बराबर 66 मीटर दिया हुआ है, ठीक है? परिधि दिया हुआ है 66 मीटर। क्या निकालना है हमें? क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, 2πr। तो 2πr बराबर 66 मीटर लिख लेंगे, 2πr बराबर 66 मीटर। तो पाई का मान क्या होता है? 22/7। इस तरह लिख लेंगे। त्रिज्या को r से लिखते हैं, ठीक है? त्रिज्या को r से लिखते हैं और पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान क्या होता है? 22/7। तो 2 × 22/7 × r बराबर 66। इस तरह लिख लेंगे। तो r बराबर क्या हो जाएगा? r बराबर हो जाएगा 66 × 7/2 × 22। देखिए 7 भागा में है, बराबर के बायां तरफ 7 कहाँ पे है? भागा में। तो इसको हम बराबर के दायां तरफ ले जाएंगे तो गुना में हो जाएगा 66 के साथ, और 2 × 22 जो है आर के साथ गुना में है बराबर के बायां तरफ, तो 2 × 22 को बराबर के दायां तरफ ले जाएंगे तो भागा में हो जाएगा, यानी इस तरह लिख लेंगे। तो आर बराबर हो जाएगा 66 × 7/2 × 22। अब देखिए 22 तिया 66, 22 तिया 66, 22 से 66 को काट लेंगे। कितना बार में कट गया? 3 बार में। तो 7 तिया 21/2, 21/2 मीटर। परिधि मीटर में दिया हुआ है तो त्रिज्या मीटर में आएगा, यानी आर बराबर कितना आ गया? 21/2 मीटर, यानी त्रिज्या हो गया 21/2 मीटर। त्रिज्या कितना हो गया? 21/2 मीटर। ठीक है, तो त्रिज्या ज्ञात हो गया है। अब क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो अतः तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान होता है 22/7 गुना, त्रिज्या कितना है? 21/2। आर कितना है? 21/2। तो आर की जगह पे 21/2 लिख लेंगे। त्रिज्या को आर से लिखते हैं तो आर बराबर है 21/2। तो आर स्क्वायर है, यानी 21/2 का वर्ग, 21/2 का वर्ग। तो कितना हो गया? 22/7 गुना। अब 21/2 का वर्ग है तो 21/2 का वर्ग मतलब 21/2 गुना 21/2 लिख लेंगे। वर्ग मतलब 2 बार गुना कर लेंगे, ठीक है? 7 तिया 21 कट गया, 2 से 11 बार में कट जाएगा, 11 × 22। इस तरह से तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? तो 11 तिया 33, और 33 × 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 33 × 21, तो 33 × 1 33, 33 × 66, 3 × 6 3 × 9 6, यानी 693। कितना आ गया? 693। तो 693/2, 2 में क्या है? 2 है वर्ग मीटर।
वर्ग मीटर में आएगा, क्योंकि त्रिज्या क्या में आया है, मीटर में। तो क्षेत्रफल आ गया 693/2 वर्ग मीटर। अब देखिए इसको भाग दे देंगे, 693 को 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 3 6, 2 4 8, 1 इधर गया 13 हो गया, 2 6 12, 1 इधर गया दशमलव देंगे तो 2 5 10, यानी 346.5 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। तो 693 को 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 346.5 आ जाएगा। 693 को 2 से भाग देंगे तो 346.5 आएगा। देखिए 2 3 6, 2 4 8, 1 इधर गया तो 12 हो गया, तो 2 6 12, 1 बचा तो दशमलव देंगे तो 10 हो जाएगा, तो 2 5 10, यानी 693 को 2 से भाग देंगे तो 346.5 आ जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया, 346.5 वर्ग मीटर। तो इस तरह इसको हल करेंगे। तीसरा में दिया हुआ है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है, 242 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि दिया हुआ है 242 सेंटीमीटर, ठीक है। वृत्त की परिधि क्या दिया हुआ है, 242 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr, 2πr, जहाँ की r क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या को r से लिखते हैं, पाई का मान होता है 22/7। तो पहले हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि परिधि दिया हुआ है तो त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे इससे हम, तो 2πr बराबर लिख लेंगे 242 सेंटीमीटर। तो आर क्या है, त्रिज्या को आर से लिखते हैं, यानी आर त्रिज्या है, पाई का मान होता है 22/7, यानी 2 × 22/7 गुना आर बराबर 242, इस तरह लिख लेंगे। तो पाई का मान 22/7 और गुना आर बराबर कितना लिख लेंगे, 242। अब आर बराबर कितना हो जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा 242 × 7/2 × 22, ये कैसे हो गया, तो बराबर के बायां तरफ, 7 देखिए भागा में है, बटा में है तो भागा में हुआ, तो 7 को बराबर के दायां तरफ ले जाएंगे तो गुना में हो जाएगा, यानी 242 × 7 हो जाएगा। अब 2 × 22 आर के साथ गुना में है, देखिए 2 × 22 क्या है, आर के साथ गुना में है बराबर के बायां तरफ, तो 2 × 22 को बराबर के दायां तरफ ले जाएंगे तो भागा में हो जाएगा, ठीक है। तो 22 से देखिए इसको काट लेंगे, 242 को 22 × 1 = 22, 2 इधर गया तो 22 हो गया, 22 × 1 = 22, यानी 22 × 11 कितना होगा, 242, ठीक है। 22 से 242 को काट लेंगे तो 11 बार में कट जाएगा, तो 11 × 7 77/2 आ गया, कितना आ गया, 77/2 सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि परिधि सेंटीमीटर में दिया हुआ है। देखिए परिधि क्या में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में। तो त्रिज्या यानी आर की क्या में आएगा, सेंटीमीटर में। तो त्रिज्या कितना हो गया, 77/2 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है हमें, क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो लिखेंगे अतः वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान होता है 22/7 और आर हम कितना लाए हैं, 77/2, देखिए आर कितना लाए हैं, 77/2, तो 22/7 गुना 77/2 का वर्ग। आर कितना है, 77/2,
तो आर की जगह पे क्या लिख लेंगे, 77/2। तो आर स्क्वायर है इसलिए 77/2 का वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा 22/7 गुना 77/2 गुना 77/2। तो 22/7 गुना 77/2 गुना 77/2 इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए 2 से 11 बार में कट जाएगा 22, 11 दूना 22, तो 77/2 का वर्ग है तो वर्ग का मतलब 2 बार गुना कर लेंगे तो 2 से 22 11 बार में कट जाएगा, 11 दूना 22, और 7 से 77 11 बार में कट जाएगा, 11 सते 77। ठीक है, अब इसको गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 77 गुना 11 गुना 11 करते हैं तो देखिए 11 गुना 11 होता है 121, 11 गुना 11 क्या होता है 121, और 77 को अब गुना कर लेंगे, 7 गुना 1 7, 7 दूना 14, 7 एक 8, 7 7 दूना 14, 7 एक 8, 7 7 4 11 8 4 12 1 13, 8 एक 9, कितना आ गया 9317। तो लिख लेंगे 9317 बटा, यहाँ पे क्या है 2 है, 2 लिख लेंगे। अब इसको भाग दे देते हैं तो 2 चौक 8, देखिए 2 चौक 8, 1 इधर गया तो 13 हो गया, तो 2 छक 12 लगा देंगे, 1 इधर गया 11 हो गया, 2 पचे 10, 1 इधर गया तो 17 हो गया, 2 अठे 16, फिर 1 बचा तो दशमलव देंगे तो 10 हो जाएगा, तो 2 पचे 10 यानी 4658.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो त्रिज्या सेंटीमीटर में है इसीलिए क्षेत्रफल आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया 4658.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो 9317 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4658.5। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया 4658.5 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से इसको हल करेंगे।